हेलो गाइस, आप सबों का अर्जुन स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं अर्जुन प्रसाद यादव आप सबों के सामने आज अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आप सबों की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल में इसका विपरीत मान लेते, उल्टा, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए जब परिमेय संख्या होगा तो √2 बराबर p by q, जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q ≠ 0 हो। मतलब q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता जब परिमेय संख्या होगा। तो √2 का स्क्वायर कर लेते हैं, इधर p/q का स्क्वायर कर लेते हैं, अर्थात दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर हो गया। इधर वर्ग करेंगे RHS सेट तो p/q का वर्ग होगा। यहाँ लिख देते हैं क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा, बचेगा कितना 2। इधर अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं तो p² / क्या हो जाएगा, q², इसके बटे में नहीं कुछ तो 1। क्रॉस गुना करेंगे p² को 1 से तो p² होगा, और q² को 2 से गुना करेंगे तो 2q² होगा। समीकरण एक मान लेंगे। अब 2 गुना में इधर लाने के बाद क्या होगा, भाग में होगा, तो p² / क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या q². समीकरण हो गया 2। पुनः माना कि p = 2k, जहां k एक अचर राशि है। यहां भी दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो p का वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा। इधर 2k का वर्ग कर देते हैं, दोनों यहां भी लिख देते हैं आगे में, दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ एक डॉट है कि p = 2k क्यों माने, p = 3k क्यों नहीं मानते हैं। तो यहाँ ये बात है, यदि सिद्ध करते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या तो p = 2k मानते हैं, यदि सिद्ध करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या तो p = 3k मानेंगे, यदि सिद्ध करेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है तो p = 5k, और इधर जहाँ के एक अचर राशि सेम इसी तरह मानेंगे, दोनों तरफ वर्ग भी इसी तरह करेंगे। तो चलिए अब इस पे चलते हैं, p² = 2k का स्क्वायर हो गया तो p² = 2 का वर्ग 4, के का वर्ग के स्क्वायर हो गया तो p² = 4k² और p² का मान समीकरण एक से पता है, p² किसके बराबर है 2q² के बराबर, तो p² के स्थान पे समीकरण एक से रख सकते हैं अपने लोग 2q² आगे में कितना 4k² 2 गुना में जाने के बाद भाग में, 2 से 4 कट जाएगा 2 मर्तवे, अर्थात क्या q² = क्या हो गया 2k² 2 गुना में है, इधर लाने के बाद क्या होगा भाग में होगा तो q² / में क्या हो जाएगा 2, आगे में बचेगा क्या k² समीकरण ये हो गया 3।
समीकरण तीन। अब देखिए समीकरण दो तथा तीन से, समीकरण दो तथा तीन से पाते हैं कि पी और क्यू दोनों दो से विभाज्य है। दोनों दो से विभाज्य है। देखिए समीकरण दो को भी देखिए, समीकरण दो को देखिए, समीकरण दो में पी स्क्वायर किससे विभाज्य है, दो से। और समीकरण तीन को देखिए, समीकरण तीन भी क्यू स्क्वायर विभाज्य है, दो से। यहाँ लिखे समीकरण दो तथा तीन से पाते हैं कि पी और क्यू दोनों दो से विभाज्य है, जो कि परिमेय संख्या का, जो कि परिमेय संख्या का, जो कि परिमेय संख्या का विरोध करता है, जो कि परिमेय संख्या क्या करता है, विरोध करता है, जो कि परिमेय संख्या का विरोध करता है। इसीलिए मेरा मानना गलत था, इसलिए मेरा मानना क्या था, गलत था। अतः रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे मेरा माना गलत था ऐसा क्यों लिखे, मेरा माना गलत है क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद हमें ये पता चल गया कि परिमेय संख्या ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो विरोध कर रहा था, अब तो पता चल गया कि विरोध करता है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है, इसलिए मेरा मानना गलत था। अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या, इतना प्रूव कीजिएगा। ये 5 मार्क या 3 मार्क में पूछता है, तो इस पे होमवर्क मिलेगा आप लोग को SW में। आप लोग इसी पे सेम बेस है, सेम रूल पे आप लोग होमवर्क में रूट फाइव, रूट थ्री और रूट सेवन एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध कर सकते हैं यदि समझ में आया हो तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख के भेजना कि समझ में आया और कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी भी तरह की कमी रह गई हो तो बताने की कोशिश करना, ताकि अगले वीडियो में इससे भी अच्छे तरीका समझाने की कोशिश की जाएगी।